हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोन मनी चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर्सनल लोन से रिलेटेड वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, बैंक ये चेक करता है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। सेकंड, आप सैलरीड या प्रोफेशनल पर्सन होने चाहिए। थर्ड, कंपनी प्रोफाइल, आप जिस कंपनी में वर्किंग हो वो कंपनी MNC, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, कॉमन सेक्टर होना चाहिए। फोर्थ, एज, मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 60 ईयर्स चाहिए। एंड कुछ बैंक्स में BPO एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में 25 एज रिक्वायर्ड होता है। फिफ्थ, एक्सपीरियंस, मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस 1 ईयर रिक्वायर्ड होता है एंड लेटेस्ट 3 सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। सिक्स, रिक्वायर्ड सैलरी, अगर आपका सैलरी सेम बैंक में जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, देन मिनिमम नेट सैलरी रिक्वायर्ड 20,000 एंड अगर सैलरी किसी अनदर बैंक में क्रेडिट होता है देन मिनिमम नेट सैलरी रिक्वायर्ड इज 25,000 एंड जितना ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा EMI पे करने का कैपेसिटी ज़्यादा और जितना कम उतना कम कैपेसिटी। सेवन्थ, सिबिल स्कोर, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है देन मैक्सिमम एलिजिबिलिटी का चांसेस होता है, अदरवाइज 750 से कम सिबिल पर लोन का कैपिंग भी हो सकता है। ये बैंक का पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट देगा। फॉर एग्जांपल, इन एक्सिस बैंक मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड इज 680 एंड इन HDFC मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड इज 700। और अगर आपका इन बैंक के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और सिबिल लो है तो बैंक लोन कर सकता है। ये कुछ इंटरनल पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आपका लोन नहीं हो पा रहा है या फिर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्रोसेसिंग फीस सर्च कर रहे हैं तो आप लोन मनी की वेबसाइट पर क्वेरी या कॉल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ मल्टीपल एंड फाइनेंशियल बैंक्स के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एट, फॉयर, फॉयर मीन्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ इनकम रेशियो। इसका मतलब है बैंक ये डिसाइड करता है कि आप अपनी सैलरी का कितना पार्ट EMI में दे सकते हो। सभी बैंक्स का अपना अपना एक फॉयर होता है जो कि सैलरी से लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन HDFC बैंक इफ नेट सैलरी इज लेस देन 25,000 देन फॉयर इज 50%। दैट मीन आप अपनी सैलरी का 12,500 ही EMI दे सकते हैं। इफ नेट सैलरी इज बिटवीन 25,000 टू 35,000 देन फॉयर इज 60% एंड इफ नेट सैलरी इज मोर देन 35,000 देन फॉयर इज 70%। इट्स डिपेंड ऑन बैंक क्राइटेरिया। नाइन्थ, रेजिडेंस, अगर आपका सेलफोन या पेरेंटल घर है तो ये एक प्लस पॉइंट है मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के लिए। और अगर आप रेंटेड रहते हैं तो बैंक तब भी लोन करेगा, ये आपके प्रोफाइल और बैंक के इंटरनल क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। टेंथ, कंपनी कैटेगरी, अगर आपका कंपनी बैंक के कंपनी कैटेगरी में लिस्टेड है तो आपको आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन मिलेगा। और आपकी अगर कंपनी नॉन लिस्टेड है तो कम अमाउंट मिलेगा, बिकॉज बैंक में लिस्टेड कंपनी के लिए हाई मल्टीप्लायर्स होते हैं एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए लोअर मल्टीप्लायर्स। फॉर एग्जांपल, लिस्टेड कंपनीज आर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो लिमिटेड एक्सेट्रा। एंड अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं और आपकी कंपनी अगर नॉन लिस्टेड है या आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोन मनी की साइट पर क्वेरी या कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको एलिजिबिलिटी भी पता लग जाएगा एंड अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है तो वहाँ से आपको लोन भी अरेंज हो जाएगा। 11th है रनिंग ऑब्लिगेशंस, इसमें बैंक ये चेक करता है कि आपके रनिंग में कितनी लायबिलिटीज़ हैं, लाइक रनिंग लोन्स, EMI, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट या EMI, और आप किसी लोन में गारंटर तो नहीं है, बिकॉज इन सभी ऑब्लिगेशन से एलिजिबिलिटी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लोन्स लाइक होम लोन EMI, ऑटो लोन EMI, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी EMI, एनी टाइप ऑफ फाइनेंस EMI एंड इन क्रेडिट कार्ड, ऑल बैंक ऑब्लिगेट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड एज अ EMI एक्सेप्ट एक्सिस बैंक। 12th, बैंक सेलेक्शन, अगर आपका सैलरी अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में है
तो आप सबसे पहले सेम बैंक में अप्लाई करें, बिकॉज वहाँ पर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एंड अप्रूवल का चांसेस ज़्यादा होता है। 13. स्पाउस इनकम, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं या फिर फैमिली में कोई सैलरीड पर्सन है जो कि वर्किंग है, देन बैंक के अकॉर्डिंग आपकी ईएमआई देने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के लिए देख रहे हैं, कुछ बैंक्स ये भी देखते हैं। 14. पर्पस ऑफ लोन, आपके लोन का पर्पस कोई इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी परचेज, बिजनेस स्टार्टअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज पर्सनल लोन पर्सनल पर्पस के लिए दिया जाता है। मुझे आशा है कि सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आप क्वेरीज के लिए लोन मनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.loanmoney.in या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8130222111। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।